पिछले 6 सालों में मोदी सरकार मीडिया समेत तमाम संस्थानों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस कड़ी में अब एक नया मामला सामने आया है। ये मामला है भाजपा और फेसबुक के गठजोड़ का। सरकार के विरुद्ध हंसी मजाक वाले पोस्ट को भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ बताकर हटा देने वाला फेसबुक भाजपा नेताओं के घृणा और हिंसा फैलाने वाले पोस्ट को नजरअंदाज कर देता है। एक विदेशी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि फेसबुक ने सत्ताधारी बीजेपी से जुड़े कम से कम 4 व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ घृणा संदेश के नियम लागू करने का विरोध किया है, जबकि तथ्य ये है कि ये व्यक्ति या संगठन हिंसा भड़काने में लगे थे। रिपोर्ट में तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा सिंह के घृणा संदेश को उल्लेख किया गया है, जिसमें वो एक समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी निदेशक अंकित दास ने अपने स्टाफ को बताया है कि भाजपा नेताओं को हिंसा के लिए दंडित करने से कंपनी की भारत में बिजनेस संभावनाओं को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या फेसबुक के बिजनेस के लिए किसी को समाज में हिंसा और उन्माद फैलाने वाले पोस्ट करने की इजाजत दी जा सकती है।